के 5-6 तहसीलों के उपार्जन केंद्र को कलेक्टर आशीष सिंह ने किया औचक निरीक्षण। डीएमओ का 7 दिन का काता वेतन, साथ ही त्रुटि मिलने पर बड़नगर तहसील के 1 पटवारी व 2 समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की बात कही। घटिया तहसील मुख्यालय पर संचालित हो रहे उपार्जन केंद्र का कलेक्टर आशीष सिंह ने किया औचक निरीक्षण, साथ ही वहां पर ट्रॉलियों को लेकर आए किसानों से बात की और साथ में अधिकारियों से उपार्जन केंद्र के बारे में चर्चा की। वहीं कलेक्टर ने बताया कि उनके द्वारा आज जो जिले भर में चल रहे गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और खरीदी संतुष्ट पूर्वक है और किसानों के पेमेंट तकनीकी समस्या के कारण रुके हैं, जिसका निदान न करने पर डीएमओ का 7 दिन का वेतन काटा है। साथ ही बड़नगर तहसील शिकायत मिलने पर 1 पटवारी व 2 समिति प्रबंधक पर भी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से संवाददाता राजेंद्र परिहार की खास रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा जिले भर में जो गेहूं खरीदी की बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, तो आज अलग अलग तहसीलों के 5-6 केंद्रों का भ्रमण किया गया है। उसमें घटिया में भी भ्रमण किया गया है, जो मंडी में खरीदी चल रही है, और खरीदी संतुष्टिपूर्वक है। ये जरूर है कि कुछ 20-25 किसानों के जो पेमेंट्स हैं वो रुके हुए हैं, जिनमें कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन उस तकनीकी समस्या का निदान ना कर पाने के कारण डीएमओ का 7 दिन का वेतन जो है हम लोग वो कर रहे हैं, काट रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बड़नगर के और 1-2 केंद्रों पर कुछ समस्याएं मिली थी, तो उसमें 1 पटवारी और 2 समिति प्रबंधक जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी। सर, बोरों की समस्या आ रही है इसमें? क्योंकि बोरों की समस्या कुछ जगहों पर ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक बोरों की समस्या जो है अब सॉल्व हो गई है और आगे आने वाले समय में बोरों की कोई समस्या नहीं रहेगी।